नमस्कार बच्चों, कल की वीडियो में हमने पढ़ा था व्याकरण पुस्तक से अध्याय 2 वर्ण और वर्णमाला के अंतर्गत स्वर, व्यंजन और वर्णमाला। हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर होते हैं और 33 व्यंजन। यदि इसमें ळ और ढ़ को भी जोड़ दें तो इनकी संख्या 35 हो जाती है। हिंदी में 4 संयुक्त व्यंजनों का भी प्रयोग किया जाता है। आज की इस वीडियो में हम संयुक्त व्यंजन और संयुक्ताक्षर के विषय में पढ़ेंगे। तो आइए हम सबसे पहले संयुक्त व्यंजन के विषय में चर्चा करते हैं। संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं और संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं? बेटा, संयुक्त व्यंजन दो व्यंजन आपस में मिलकर एक नया व्यंजन बनाते हैं, इसे ही संयुक्त व्यंजन कहते हैं। इसकी संख्या 4 है, छ, त्र, ज्ञा, श्र। छ में दो व्यंजन हैं, का, हलन, जमा, श, हलन, जमा, आ। इससे बनने वाले शब्द क्षमा, क्षमता आदि। त्र, त्र में दो व्यंजन हैं, ता, हलन, जमा, रा, हलन, जमा, अ। इससे बनने वाले शब्द त्रस्त, पत्र आदि। जा, जा में भी दो व्यंजन हैं, जा और या। इससे बनने वाले शब्द ज्ञान, विज्ञान। श्र, श्र में भी दो व्यंजन हैं, श, र। इससे बनने वाले शब्द श्रम, परिश्रम आदि। अब आइए जानते हैं बेटा संयुक्ताक्षर किसे कहते हैं। दो व्यंजनों के मिलने से संयुक्ताक्षर बनते हैं। इसमें पहला व्यंजन स्वर के बिना तथा दूसरा व्यंजन स्वर के साथ होता है, जैसे मक्खी, छप्पर, प्याज, किश्ती, लड्डू, लट्टू, गन्ना, कुत्ता आदि। संयुक्ताक्षर लिखने के नियम। नंबर 1, पाई वाले अक्षरों की पाई हटाकर, जैसे थ, न, म, भ, य, ल, स आदि। नंबर 2, घुंडी वाले अक्षरों के बाद का आधा भाग हटाकर, जैसे क, फ आदि। नंबर 3, हलंत लगाकर, जैसे ट, ड, द, ह आदि। रा में उ तथा ऊ की मात्रा इस प्रकार लगती है, र, हलन, जमा, उ। रू, इससे बनने वाला शब्द रुपया, गुरु। रा, हलन, जमा, ऊ। रू, इससे बनने वाला शब्द रूप, रूठना। बेटा, आज हमने क्या सीखा?
आओ दोहराएं। नंबर एक, संयुक्त व्यंजन। दो व्यंजन आपस में मिलकर एक नया व्यंजन बनाते हैं, इसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। नंबर दो, संयुक्ताक्षर। दो व्यंजनों के मिलने से संयुक्ताक्षर बनते हैं, इसमें पहला व्यंजन स्वर के बिना तथा दूसरा व्यंजन स्वर के साथ होता है। आज का गृहकार, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। नंबर एक, संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं। नंबर दो, संयुक्ताक्षर की परिभाषा लिखिए। धन्यवाद।